माई चैनल एंड आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक ऐसा फेशियल जिसको आप इजीली घर पे कर सकते हो। ये जो फेशियल है मेरा एक है टमाटर पे, जिस टमाटर को खाने से इतने सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, वह उसी टमाटर का आप अपने फेस पे अप्लाई करते हो तो आपको रिजल्ट और भी अच्छे मिलेंगे, क्योंकि जो टमाटर है उसमें पाया जाता है विटामिन ए बी और सी, जो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके साथ साथ उसमें होता है फ्रूट एसिड, जो आपके डेड स्किन को रिमूव करके आपके सेल्स को रिपेयर करता है स्किन के। इसके साथ साथ वो आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा ग्लोइंग बनाता है। आपकी स्किन पे जो अगर गर्मियों में हो जाती है आपको सन टैनिंग की प्रॉब्लम, अगर आपकी स्किन झुलस गई है या आपका ये एरिया डार्क हो गया, तो उसको बहुत अच्छे से रिमूव कर देता है। बस गाइस आपको इसको मेरे बताए हुए प्रोसेस के अनुसार फॉलो करना है। अगर आप इसको रेगुलर यूज़ करते हो तो गाइस इसका रिजल्ट बहुत अमेजिंग आता है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि इस फेशियल को कैसे करना है और कैसे फेस पे मैंने जो चीज़ें अप्लाई करनी है, तो इस वीडियो को आपको पूरे अच्छे से देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने दो रेड टमाटर लिए हैं, टमाटर पके हुए होने चाहिए और जितने लाल होंगे उतना अच्छा है। एक टमाटर को मैंने कट कर लिया है। इस हाफ टमाटर में से मैं एक का बनाऊंगी पेस्ट और एक का क्या करना है वो मैं आपको आगे इस वीडियो में बताती हूँ। तो मेरा ये टमाटर का पेस्ट जो मैंने रेडी कर लिया है, इसको मैंने कद्दूकस की हेल्प से निकाल लिया है, और चाहे तो आप मिक्सर के जार में भी पीस के बना सकते हैं इसको। और ये मेरा फेशियल करने के लिए टमाटर का पेस्ट रेडी है। सबसे पहले हम इसमें से एक चम्मच लेंगे फेस पे क्लिंजिंग करने के लिए। क्लिंजिंग मिल्क बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे चाहिए एक रॉ मिल्क कच्चा एक चम्मच, और फिर हम इसमें मिलाएंगे टमाटर की प्यूरी जो हमने रेडी किया है। इस तरीके से हम इस पेस्ट को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारा रेडी हो गया फेस को साफ करने के लिए क्लिंजिंग मिल्क। यहाँ पे मैं फेस को क्लीन करने के लिए यूज़ कर रही हूँ क्लिंजिंग मिल्क, जो मैंने आपको बताया कैसे बनाना है, और इसको मैं कॉटन की हेल्प से अपने फेस पे अप्लाई कर लूँगी कुछ इस तरीके से। जितने भी आपके फेस पे डर्ट है वो अच्छे से रिमूव हो जाएगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे यूज़ किया है दूध और टमाटर का। दूध में होता है लैक्टिक एसिड, टमाटर में होता है फूड एसिड, जो आपकी स्किन पे बहुत अच्छा वर्क करती है, और आपके फेस पे जो भी डर्ट है वो अच्छे से क्लीन हो जाएगी। आपको इसे कॉटन की हेल्प से अच्छे से फेस पे रब करना है, जहाँ पे भी अगर आपने मेकअप अप्लाई कर रखा है या आप घर पे भी हैं तो भी हमारे फेस पे हल्की फुल्की डर्ट हमेशा रहती है। तो इस तरीके से आप अपने कॉटन के हेल्प से अच्छे से आप इसको रिमूव कर लें, और आप देख सकते हैं फेस आपका क्लीन हो जाएगा। अब हमारा दूसरा स्टेप है स्क्रब करना फेस पे। तो हमें चाहिए एक चम्मच यहाँ पे चावल का आटा, और इसमें मैं ऐड करूँगी, यहाँ पे मैं एक चम्मच चावल का आटा ले रही हूँ, और इसमें मैं टमाटर का जो पेस्ट मैंने रेडी किया था वो टमाटर का पेस्ट मैं इसमें ऐड करूँगी, और मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इस तरीके से पेस्ट रेडी हो गया। अब ये जो मैंने पेस्ट रेडी किया है इसको मैं अपने फेस पे अप्लाई करूँगी, और इस पेस्ट को आपको 5 मिनट के लिए अपने फेस पे इस तरीके से अप्लाई करके, पूरे फेस पे अप्लाई करने के बाद 5 मिनट के लिए आपको छोड़ना है अगर आपके पास टाइम है। इस पेस्ट को आप अच्छे से अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लें। आप इसको नेक पे भी यूज़ कर सकते हैं। जो जो मैं इसमें स्टेप्स आपको बता रही हूँ आप इसी प्रोसेस के साथ अपने फेस पे भी अप्लाई करने के साथ साथ आप नेक पे भी इसी तरीके से इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स मैंने अपने पूरे फेस पे इसको अप्लाई कर लिया, और जो मैंने यहाँ पे हाफ टमाटर बोला था आपको साइड में रखने के लिए, उस हाफ टमाटर में मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ थोड़ी सी पिसी हुई शुगर। जो मैंने यहाँ पे ये लेयर लगाई थी इसको हो चुके हैं पूरे 5 मिनट, और अब मैं यहाँ पे टमाटर और शुगर के पेस्ट को अपने फेस पे इस तरीके से आपको पूरे फेस पे अच्छे से स्क्रब करना है इस टमाटर की हेल्प से। अगर आपको शुगर कम लगती है तो आप और शुगर ऐड कर सकते हैं। जो ये एरिया आपका ब्लैक हो जाता है आप यहाँ पर अच्छे से इस टमाटर को रब करें, अंडर आइज के नीचे अच्छे से करें, नोज पे करें जहाँ पे आपको ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। इस प्रोसेस को आपको 5 मिनट तक अपने फेस पे करना है। तो इस तरीके से आपको पूरे फेस पे अच्छे से स्क्रब करने के बाद आपको एक ठंडे पानी से अपने फेस को
क्लीन कर लेना है। मैंने यहाँ पे अपने फेस को वॉश कर लिया और मैं अच्छे से इसको ड्राई कर लूँगी। आप देख सकते हैं कि दूसरे स्टेप में ही फेस कितना क्लियर हो गया, क्लीन हो गया है। आपको इसका रिजल्ट गाइस खुद से मिलेगा जब आप खुद करेंगे। और जो अब जो लास्ट स्टेप है वो है मेरा पैक, चलिए अब वो बनाते हैं। इस पैक को बनाने के लिए हमें चाहिए 1 चम्मच फेस के अकॉर्डिंग मुल्तानी मिट्टी। ये हमारे जो पोर्स ओपन हुए हैं उनको अच्छे से मिनिमाइज कर देगा, हमारी स्किन को टाइट करेगा। और फिर हम इस पर जो हमारा बचा हुआ टमाटर का पल्प है, जो प्यूरी है, हम इसमें पूरी ऐड कर देंगे अच्छे से। तो ये पैक हमारा रेडी हो चुका है, चलो अब हम इसको अपने फेस पे अप्लाई करते हैं। अब हमारा लास्ट स्टेप है पैक, जो मैंने रेडी कर लिया है। इस पैक को आपको चाहे तो फिंगर की हेल्प से, चाहे आप ब्रश अगर इस्तेमाल करते हैं उसकी हेल्प से, आपको अपने फेस पे अच्छे से लगा लेना है। और इस पैक को आपको 20 मिनट तक अपने फेस पे रखना है। मुल्तानी मिट्टी गर्मियों के लिए बहुत अच्छी होती है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ठंडक होती है, जो आपके फेस के लिए बहुत अच्छी है। और इससे जो आपके गर्मियों में पिंपल्स हो जाते हैं या आपके फेस के छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, वो सब नहीं होंगे। और आपकी स्किन को ये टाइट करेगी, आपकी स्किन को ब्राइट करेगी। तो इस तरीके से आपको पूरे फेस पे इस पैक को अच्छे से अप्लाई कर लेना है। इस पैक को आप ऐसे भी लगा सकते हैं अगर आपको फेशियल नहीं करना है। अगर आप इस पैक को हफ्ते में 2 से 3 बार केवल टमाटर में मिला के मुल्तानी मिट्टी लगाएंगे तो भी आपके फेस पे बहुत अच्छा ग्लो आएगा, और इसका जो रिज़ल्ट है वो भी आपके फेस पे काफ़ी लंबे समय तक बना भी रहेगा। तो इस तरीके से मैंने ये पैक पूरे फेस पे अप्लाई कर लिया है और आप इसको 20 मिनट के लिए मैं छोड़ दूँगी। तो फ्रेंड्स, इस मेरे पूरे पैक को हो चुके हैं ऑलरेडी 20 मिनट्स, एंड अब मैं इसको वॉश करके आपको दिखाती हूँ इसका लाइव रिज़ल्ट। तो फ्रेंड्स, मैंने अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लिया और अब आप देख सकते हैं कि मेरे फेस पे कितना ज़्यादा ग्लो लग रहा है। और मैं आपको एक चीज़ और फ्रेंड्स बता दे रही हूँ, क्लियर कर दे रही हूँ, अगर आप इस फेशियल के बाद धूप में जा रहे हैं तो प्लीज़ सनस्क्रीन लोशन लगाना ना भूलें। और अगर आप कहीं पार्टी में जा रहे हैं तो इसके ऊपर एक आइस क्यूब लगा लें, तो इससे आपका जो फेशियल का बेनिफिट है बहुत अच्छे से बना रहेगा और आपके फेस पर बहुत अच्छा ग्लो रहेगा। आपका जो मेकअप है वो भी ब्लैक नहीं होगा। और इसके बाद मैं यहाँ पे लगा रही हूँ गुलाब जल, थोड़ा सा मैं यहाँ पे अपने फेस पे गुलाब जल लगा रही हूँ। आप चाहे तो यहाँ पे गुलाब जल के आइस क्यूब भी बना के फेस पे लगा सकते हैं। इस तरीके से मैंने जो फेशियल किया है, उसके बाद आपको टोनर की तरह आपको गुलाब जल लगा लेना है। और फिर इस पे मैं लगाऊँगी थोड़ा सा एलोवेरा जल, जिससे जो मेरी स्किन है वो हाइड्रेट रहे और हल्की सी नमी भी फेस पे मॉइस्चराइज बना रहे। तो गाइस, देखा इस टमाटर फेशियल से मेरी स्किन पे कितना अच्छा ग्लो आया। अगर आप भी ये ग्लो चाहते हैं तो इस टमाटर फेशियल को ज़रूर गाइस करके देखेगा, इसका रिजल्ट बहुत अमेजिंग आता है। आप इसको हफ्ते में 2 से 3 बार इजीली कर सकते हैं, और इस फेशियल को कोई भी कर सकता है, चाहे वो मैन हो वुमेन हो, कोई भी कर सकता है। और इसको आप टमाटर फेशियल को अपने फेस पर करिए, इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा कि आपको टमाटर फेशियल कितना बेनिफिट लगा। तो और भी अच्छी अच्छी वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।